हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त तनातनी देखने को मिल रही है और इसी वजह से कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कोई निर्णय नहीं हो पाया तो सीएम का फैसला पार्टी हाईकमान के पाले में गेंद डाल दी गई है। विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ने को कहा गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन सीएम पद को लेकर कांग्रेस में 5 नाम होने से सहमति नहीं बनी। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू इस रेस में सबसे आगे हैं। इसके बाद मुकेश अग्निहोत्री और राजेंद्र राणा भी ताल ठोक रहे हैं। आलाकमान प्रदेश अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह की जगह सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम तय कर सकती है, क्योंकि प्रतिभा सिंह का नाम तय करने पर 2 उपचुनाव कराने होंगे और आलाकमान ऐसा नहीं चाहती और इसी वजह से सुक्खू का नाम सबसे आगे हो गया है। प्रतिभा के बेटे और विधायक विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर उनको राजी किया जा सकता है। सुक्खू ने कहा कि मैं सीएम पद का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और विधायक हूं। पार्टी आलाकमान का फैसला अंतिम होगा, लेकिन उनके समर्थक उनको सीएम बनाने को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस में भर्ती तनातनी पर बीजेपी नजर लगाए बैठी है और कांग्रेस भी जानती है उनकी थोड़ी सी गलती का बीजेपी पूरा फायदा उठा सकती है। कांग्रेस अपने विधायकों को गुप्त जगह ले जा रही है ताकि बीजेपी उनके संपर्क नहीं साध सके। हिमाचल में कांग्रेस अपनी जीत का जश्न भी अच्छी तरह से मना नहीं पा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी गुजरात जीत का जश्न मनाने के साथ नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का भी ऐलान कर सकती है। वहीं कांग्रेस अभी तक सीएम पद का नाम तक नहीं तय कर पाई है और इसका फैसला जल्द ही नहीं हुआ तो बगावत होने का खतरा होगा और बीजेपी हो सकता है इसी का इंतजार कर रही हो। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।